हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए गीत मिलन के गाए, ओ हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए गीत मिलन के गाए, ओ हो गीत मिलन के गाए। ना हिंदू ना मुसलमान है ना कोई जैन ईसाई, ना हिंदू ना मुसलमान है ना कोई जैन ईसाई, जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई, जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई। ना हिंदू ना मुसलमान है ना कोई सिख ईसाई, ना हिंदू ना मुसलमान है ना कोई जैन ईसाई, जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई। जालिम के नाकाम इरादे, जालिम के नाकाम इरादे कभी न फलने पाए, मिलन के गाए ओ हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए गीत मिलन के गाए, ओ हो गीत मिलन के गाए। मीठी मीठी ताली का आनंद ले लो, अपनी देश की माटी के नाम अपनी तालियों का नाच समर्पित कर दो। राम कृष्ण और महावीर की भारत माँ जननी है, राम कृष्ण और महावीर की भारत माँ जननी है, ख्वाजा और गौतम गांधी की ये पावन भूमि है, ख्वाजा और गौतम गांधी की ये पावन भूमि है, राम कृष्ण और महावीर की भारत माँ जननी है, राम कृष्ण और महावीर की भारत माँ जननी है, ख्वाजा और गौतम गांधी की ये पावन भूमि है। इस जननी को आंचन आए, इस जननी को आंचन आए, ऐसी कसमें खाए गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। प्यासे पंछी नील गगन में, प्यासे पंछी नील गगन में मीलों तक लहराए गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। सागर की दो लहरें जैसे, सागर की दो लहरें जैसे चुपके से मिल जाए, सागर की दो लहरें जैसे चुपके से मिल जाए गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, देश हमारा सबसे प्यारा इसको शीश झुकाए गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। आनंद ले लो, मीठी मीठी ताली का आनंद ले लो, जिसको भगवान ने हाथ दिए हैं, पता नहीं ये हाथ मातृभूमि की रक्षा में कब काम आएंगे, पर मातृभूमि के सम्मान में तो काम आ ही जाए। होली और दिवाली या फिर ईद मनाए मिलके, होली और दिवाली या फिर ईद मनाए मिलके, अरे वैसाखी की खुशियाँ बांटे भेदभाव मिटा के, वैसाखी की खुशियाँ बांटे भेद मिटा के दिल के,
रंग बिरंगी इस धरती को रंग बिरंगी इस धरती अरे रंग बिरंगी इस धरती को नजर न लगने पाए मेरी रंग बिरंगी इस धरती को नजर न लगने पाए गीत मिलन के गाए बोलो बोलो गीत मिलन के गाए प्यासे पंछी नील गगन में मीलों तक लहराए अरे प्यासे पंछी नील गगन में मीलों तक लहराए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए सागर की दो लहरें जैसे सागर की दो लहरें जैसे चुपके से मिल जाए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए देश हमारा सबसे प्यारा देश हमारा सबसे प्यारा सबको गले लगाए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए ना हिंदू ना मुसलमान है ना कोई जैन ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है ना कोई जैन ईसाई अरे जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई जात पात और भेदभाव की किसने आग लगाई मेरी रंग बिरंगी इस धरती पर रंग बिरंगी इस धरती को नजर न लगने पाए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए प्यासे पंछी नील गगन में मीलों तक लहराए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए हा गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए जालिम के ना काम इरादे जालिम के ना काम इरादे कभी न पलने पाए इस जननी को आंचन आए इस जननी को आंचन आए ऐसी कसमें खाए मेरी रंग बिरंगी इस धरती को रंग बिरंगी इस धरती को नजर न लगने पाए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए देश हमारा सबसे प्यारा देश हमारा सबसे प्यारा सबको गले लगाए गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए हा गीत मिलन के गाए हो गीत मिलन के गाए। आप सब लोगों को आजादी के वर्षगांठ की प्रेम भरी बधाइयां शुभकामनाएं मंगल कामनाएं अपनी देश की माटी पर गौरव करते हुए अपने देश की संस्कृति और संस्कारों पर गौरव करते हुए इस देश की माटी पर जन्म पाना जीवन का परम सौभाग्य मानते हुए अपनी देश की माटी को भावनाओं में ही अपने शीश पर धारण करता हूँ शीश पर लगाकर इस देश की माटी का सम्मान करता हूँ यह सोचकर कि जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे तो मुझे अच्छी तरह याद है जब वो 14 साल के लिए वनवास गए थे किसी भी देश की माटी का मूल्य क्या हो सकता है केवल इतने बात से हम पहचान सकते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या को छोड़कर 14 साल के लिए वनवास में गए थे तो अपने साथ में केवल सीता और भाई लक्ष्मण को ही लेकर न गए थे लेकिन इससे भी बढ़कर सम्मान पूर्वक जब उन्होंने अयोध्या को छोड़ा था तो अयोध्या की माटी को एक पोटली बांधकर अपने कंधे पर साथ लेकर गए थे ये कहकर कि अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं चल सकती तो मातृभूमि के कणों को साथ लेकर जाऊंगा माँ और मातृभूमि में बड़ा फर्क क्या हो सकता है और ये कहकर अयोध्या के उस नरेश ने अयोध्या के उस राजकुमार ने अयोध्या के उस लाडले राम ने अपने साथ 14 साल तक जब जब भी सुबह आंख खुलती सबसे पहले अपनी मातृभूमि की माटी को प्रणाम करते और जब वापस 14 साल के बाद वनवास से लौटकर आए तो आते समय वही मातृभूमि की मिट्टी उनके साथ अयोध्या आई थी। हम अपनी देश की आजादी की ये जो प्यारी सी 65वीं वर्षगांठ है अपने प्रणाम समर्पित करते हैं
उन सब महापुरुषों को कि जिन्होंने अपने स्वार्थों का त्याग करके, जिन्होंने अपनी मोह माया का त्याग करके, जिन्होंने देश की माटी को सर्वस्व मानकर इसकी आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे, अपनी सत्ता न्योछावर की थी, अपना सब कुछ न्योछावर किया था, उन बलिदानी चेतनाओं को, उन महान शहीदों को हम याद करके उनको प्रणाम करते हैं, उनके लिए अपनी इज्जत भरा स्वर पेश करते हैं और उनके लिए प्रेम भरी ताली बजाकर उनको प्रणाम अपने समर्पित करते हैं। अपनी बात की शुरुआत इस देश की माटी के गौरव को बढ़ाने वाली किसी एक घटना के साथ करना चाहूंगा और वो घटना है दूसरे विश्व युद्ध की। कहते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिक भी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए थे और उधर जापान के सैनिक भी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। इधर के सैनिकों की ओर से भारत के सैनिक लड़ रहे थे एक पक्ष की ओर से और दूसरे पक्ष की ओर से जापान के सैनिक लड़ रहे थे। युद्ध में तो तय है, युद्ध कभी दुनिया में आज तक समस्याओं का समाधान न बन पाया, युद्ध से दुनिया में कभी समस्याओं के समाधान न निकल पाए, न तो आतंकवाद से दुनिया में समस्याओं का समाधान हो सकता है, न ही युद्ध से दुनिया में समस्याओं का समाधान हो सकता है। समस्याओं का समाधान जब भी धरती पर हो सकता है तो एकमात्र प्रेम और शांति से हो सकता है। जंग तो खुद ही एक मसला है यारों, जंग तो खुद ही एक मसला है यारों, जंग क्या खाक मसलों का हल करेगी? जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या खाक मसलों का हल करेगी? इस दुनिया में जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके घर में शांति की शमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग जितनी टलती जाए, लड़ाइयां जितनी टलती जाए, दूरियां जितनी हटती जाए, इसी में तो मानवता का भला है। लेकिन बात तब की है, लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक भारतीय सैनिक ने शाम को देखा कि किसी पेड़ के नीचे एक जापानी सैनिक घायल पड़ा है युद्ध में और वो तड़फड़ा रहा है। पता नहीं उसके क्या जची, भारतीय सैनिक के पास चाय आई थी पीने के लिए, उसके मन में आया कि जापानी सैनिक भले ही मेरा दुश्मन क्यों नहीं है पर ये दर्द के मारे तड़फड़ा रहा है, जाऊं इसके पास और जाकर इसको ये चाय पिला दूं। और तब वो चाय की प्याली लेकर उस जापानी सैनिक के पास गया और जाकर कहा कि भैया भले ही तुम युद्ध की भूमि मेरे लिए दुश्मन थे लेकिन अभी तुम घायल हो और युद्ध पूरा हो चुका है तो मैं तुम्हें चाय पिलाने के लिए लाया हूं। जापानी सैनिक मन ही मन सावधान था। भारतीय सैनिक ने जापानी सैनिक को अपनी गोद में सुलाया और अपने हाथ में चाय की प्याली उठाई उसे पिलाने के लिए। वो जैसे ही चाय की प्याली पिलाने लगा, उसके मुंह तक लेकर गया कि सावधान जापानी सैनिक ने अपने पास रहे हुआ छुरा निकाला और भारतीय सैनिक की छाती में घोंप दिया। उस जापानी सैनिक ने अपने पास रहा हुआ छुरा चुपके से निकाला, वो तो चाय की प्याली लेकर आया था प्रेमवश, और उसने हिंसा का छुरा भारतीय सैनिक की छाती में घोंप दिया। भारतीय सैनिक भी घायल हो गया, जापानी सैनिक भी घायल हो गया, दोनों सैनिक घायल हो गए, बेहोश हो गए। दोनों का एक ही अस्पताल में इलाज चल रहा था, चार पलंग दूर जापानी सैनिक लेटा हुआ था, इसका इलाज चल रहा था। इधर चार पलंग पहले भारतीय सैनिक लेटा हुआ था, उसका इलाज चल रहा था। तीन दिन के बाद दोनों को एक साथ होश आया। भारतीय सैनिक ने जापानी सैनिक को देखा, उसे याद आया, ओ तो इसने मुझे छुरा घोंपा था, मैं उसे चाय पिलाने लेके गया था। और तभी संयोग की बात, भारतीय सैनिक को पिलाने के लिए फिर वहां से चाय की प्याली आई। पता नहीं भारतीय सैनिक के मन में क्या आया, उसने फिर वो चाय की प्याली उठाई और लेकर जापानी सैनिक जहां पर लेटा हुआ था अस्पताल में, वहां पर लेकर गया उसी के पास और ये कहकर उसके हाथ में चाय की प्याली थमाई कि दोस्त उस समय युद्ध की भूमि में तुम्हें चाय पिलाने की इच्छा मैं पूरी न कर पाया, पर मन हो रहा है आज तुम्हें चाय पिलाने की इच्छा पूरी कर दूं। और ये कहकर उसने वो चाय की प्याली जापानी सैनिक के हाथ में दे दी। जापानी सैनिक खड़ा हुआ, उसने भारतीय सैनिक को गले लगाया और गले लगाकर कहा, आज मुझे पता चला आखिर महावीर और बुद्ध भारत में क्यों पैदा हुए थे।